अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी ऐतिहासिक दिन भगवान राम नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस दिन अयोध्यावासी अपने घर आंगन को दीपों से रोशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या के रामघाट से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली है, जहां अयोध्या के सबसे पुरानी संतों की छावनी ने रामघाट पर दीपों को प्रज्वलित कर ढोल ताशे बजाकर दिवाली मनाई। दीपोत्सव का उल्लास संतों के मुख पर साफ दिख रहा था। साथ ही संतों ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समारोह की तैयारी के अलावा वेद पाठ, रामायण पाठ और भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 22 जनवरी को सुनिश्चित किया गया है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर भगवान श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसको लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होता है वो पहले से ही शुरू हो जाता है, और हम लोग अयोध्यावासी साधु संत हैं। यह राम नगरी का राम घाट है और श्री तपस्वी जी की छावनी है, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है। तो इसलिए रामलला महोत्सव राम घाट से शुरू हो गया, जहां से भगवान श्री राम खेलते थे, जहां भगवान श्री राम स्नान करते थे, जहां से भगवान श्री राम की स्मृतियां जुड़ी हैं। ये साधु संतों की छावनी, माने लोग मल्टी छावनी सुने होंगे, पुलिस वाले की छावनी सुने होंगे, लेकिन अयोध्या में संतों की छावनी है, इसलिए सबसे पुरानी संतों की छावनी होने के नाते हम लोगों ने दीपोत्सव शुरू कर दिया, वेद पाठ शुरू कर दिया है, रामायण का जो है तो वाल्मीकि रामायण का पाठ शुरू कर दिया है, भजन कीर्तन। इस तरह से जो है एक उत्साह जो है, जो एक इतनी बड़ी खुशी एक 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में जो प्राप्त हो रहा है, ये सभी सनातनियों के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम साधु संतों की ओर से श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हो गया है। हम लोग दिवाली मना रहे हैं, प्रत्येक दिन अनुष्ठान चल रहा है और 22 जनवरी को और भव्य तरीके से किया जाएगा। और वैसे तो हमने जो है जैसे पूजन में क्या होता है, धूप दीप नैवेद्य, तो दिवाली मतलब दिया से ही दिवाली होती है, तो दीपक जलना तो शुरू हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक इतना बड़ा दीपक मैंने बनवाया है जो विश्व में आज तक न कोई बनवा पाया है, न भविष्य में कोई बनवा पाएगा। 300 फीट का दीपक, उसको भी जो है नवमी तिथि 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा।